हरे कृष्णा डियर डिवोटीज एंड ऑल प्रणाम। सो माय नेम इज राघव सिसोदिया राजपूत, आई एम फ्रॉम मथुरा धाम बेस एंड आई करंटली टॉप इन लेवल वन ऑफ द जनवरी जुलाई 2022 सेशन ऑफ आर बेस एजुकेशन। सो बेस एजुकेशन ने मुझे मेरी स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प की, लाइक जैसे कि बुक्स आर द बेसिस, बुक्स ही बेसिस हैं। और जैसे मैं पहले बेस एजुकेशन का पार्ट नहीं था, बेस एजुकेशन से नहीं जुड़ा था, पहले मैं सिर्फ प्रभा जी बुक्स अच्छे से नहीं पढ़ पाता था, लेकिन जब से मैं बेस एजुकेशन से कनेक्ट हुआ तो एक अच्छे से मैं सिर्फ प्रभा की बुक्स पढ़ पाया हूँ, उनसे शास्त्र का ज्ञान थोड़ा ले पाया हूँ, जो मुझे स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। और वो थोड़ा ग्रोथ मुझे फील भी हो रही है, और शिला प्रभात की बुक्स में ही सब कुछ छुपा हुआ है, उसे ही हमें बेस एजुकेशन दे रहा है लेक्चर्स के थ्रू, प्रेजेंटेशन, ग्रुप एक्टिविटी, और उससे हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रही है। और सेकंड ये कि जना कोई ऐसा इंस्पिरेशन तो नहीं था लेवल क्लासेस में तो करने का, लेकिन हाँ ये था कि जैसे अभी हम लेवल की बुक्स पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ें, उनको असाइनमेंट दे रहे हैं तो अच्छे से असाइनमेंट दिया मैंने, अच्छे से टेस्ट दिया, अच्छे से प्रेजेंटेशन के लिए प्रिपेयर हुए, अच्छे से प्रेजेंटेशन दी, और यही सब कुल मिलाकर और श्री भगवान की कृपा से लेवल वन टॉप करा मैंने। और आप सबसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी हमारे बेस एजुकेशन का पार्ट बनिए, और आप भी रियल ब्लिस को, रियल जो हमारी हैप्पीनेस है वो, अगर हम कृष्णा को छोड़ देंगे तो कोई हैप्पीनेस नहीं है, कृष्णा को ले लेंगे तो सब हैप्पी हैप्पी है। इसलिए कृष्णा ने जो कहा है वो श्री प्रभुपाद जी ने हमें अपनी बुक्स में दिया है, इसलिए आप बेस एजुकेशन का पार्ट बनिए और अच्छे से अपना स्पिरिचुअल जर्नी में, स्पिरिचुअल लाइफ में एक कदम आगे बढ़ाइए, बेस एजुकेशन का पार्ट है। हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम दिया सभी भक्तों को, धन्य प्रणाम। मेरा नाम विवेक कुमार गुप्ता, एक चक्का धाम बेस से अभी लेवल टू पास आउट किया हूँ। ये श्री प्रभुपाद जी के बहुत सारी पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, वो सीखने को मौका मिल रहा है, पढ़ने को मौका मिल रहा है। एजुकेशन से रिसीव बहुत अच्छे से इस ज्ञान को सरलता से लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, आत्मा का ज्ञान जो कि स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है। तो आप सभी भक्त लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जो है कि लेवल क्लास में भाग लीजिए, हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि हम वैष्णव भक्तों की, गुरु की और कृष्ण भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं, सीखने को मिल रहा है कि हम कैसे सेवा कर सकते हैं भगवान की, अच्छे तरीके से सेवा कैसे कर सकते हैं, कैसे जो समाज में ज्ञान के लोगों के अंदर अंधकार अज्ञानता है उनको ज्ञान का प्रचार प्रसार कैसे कर सकते हैं, लोगों को कृष्ण भावना भावित का प्रचार प्रसार कैसे कर सकते हैं। हरे कृष्णा, आप सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बल ओबेसेंसेस, ऑल ग्लोरीज टू शीला प्रभुपाद। My name is Jeet Bairwa. I have recently reached in level 4 after passing level 3. In level 3, we were taught about the Gaudiya Vaishnav Siddhant and the mood of our Acharyas. It gives me many benefit in my spiritual as well as material life. My source of inspiration is Srila Prabhupada, who in old age preached Krishna consciousness all over the world and built so many temples in his old age. I am a student and I am pursuing my graduation, my computer hardware course, and I am at the same time I am preparing for administrative services, which keeps me busy all the day. Along with, I also taking the level classes organized by Bhaktivedanta Academy for Culture and Education, ISKCON. I am thankful to Education CSU for my spiritual growth to organized level classes. I will humbly request it to all the devotees, please taking the lecture sincerely and carefully, and whatever has been taught in class, repeat it once after the class. Thanking you, Hare Krishna, your servant, Jeet Bairwa. और उसे मैंने लेवल 4 89% से टॉप किया है। मैंने इससे पहले लेवल 1, 2, 3 और 4 सारे लेवल ही टॉप किए हैं, और ये सब आप सबके आशीर्वाद और सबके प्रेम की वजह से संभव हो पाता है। अगर आप सबका साथ ना हो, जैसे कि हमारे सीनियर डिवोटीज़ हैं, वो लेवल क्लास चलाते हैं और उसकी सेवा करते हैं, और ऐसे स्पीकर्स हैं जो हमें इतना अच्छा ज्ञान देते हैं, वो स्पीकर्स हम पे इतनी कृपा करते हैं, हमारे जो कॉपी चेकर्स हैं वो सब मिलके जो इतना सेवा करते हैं, उन्हीं की बदौलत ये लेवल क्लास होना, इतने दूर बैठे भी, घर से इतना दूर बैठे भी लेवल क्लास अटेंड करना, ये उन्हीं की वजह से पॉसिबल हो पाता है। शुरू में जैसे होता था कि मेरे पास, जैसे मैं नया जब भक्ति में आया तो मेरे पास बहुत सारे प्रश्न होते थे,
तो हमारे काउंसलर हमेशा ये एडवाइस करते थे कि जैसे जैसे आप लेवल क्लास आगे करते जाओगे तो आपके वो प्रश्न जो है बहुत ही कम होते जाएंगे और आपको प्रश्नों के उत्तर इजीली मिल पाएंगे। तो यही मेरे लेवल क्लासेस जो हैं ये बहुत हेल्प कर रहे हैं, जो हमारे अंदर भक्ति को लेके बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो अलग अलग शास्त्र पढ़ते हैं, जैसे हमने भी लेवल 4 में भक्ति रसामृत सिंधु उपदेशामृत वैष्णव के बहुत सारी ऐसी बुक्स पढ़ी। तो उसमें अलग अलग शास्त्र है जो हमें उन जो क्वेश्चंस है उनको बहुत अच्छी तरह से, हमारे जो डाउट है वो उन शास्त्रों से बहुत क्लियर होते हैं। ये लेवल क्लासेस का बहुत बहुत बड़ा फायदा है। हम ये सब कर रहे हैं प्रसिद्धि पाने के लिए नहीं कर रहे, हम गुरु परंपरा और गुरु और वैष्णवों की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो मेन हमारा मोटो होना चाहिए प्रचार करना, गुरु को प्रसन्न करना, परंपरा को प्रसन्न करना, ना कि हमारे हमारी इंद्र तृप्ति करना। और जितना हो सके प्रचार करें इसका, क्योंकि प्रचार से ही सब संभव है। अगर हम प्रचार नहीं करेंगे तो हमने क्या पढ़ा है हम खुद ही भूल जाएंगे। तो इसका प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए। और यही मेरा सबको मैसेज है कि अच्छे से प्रचार करें और अच्छे से टाइमली इसको करें, टाइमली सारे रीडिंग असाइनमेंट्स करें, टाइमली प्रेजेंटेशन टेस्ट करें, और टाइमली ही आपके जो क्विज प्रेजेंटेशन वगैरह जो भी होता है सब चीज़ें टाइमली उसको करें। क्योंकि डिले होने पे वो चीज़ें फिर जब डिले होती हैं तो उसका इम्पैक्ट फिर इतना रिजल्ट अच्छा नहीं जाता। तो जितना हो सके आप टाइमली जब चीज़ों को करते हैं तो वो चीज़ अच्छा रिजल्ट देती हैं। बाकी और डिवोटीज़ हैं जो हमें इतना हेल्प करते हैं, तो उन डिवोटीज़ के लिए भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, जिन्होंने इतना इतना कृपा करके, इतना कष्ट करके हमें ये इतना दूर बैठे, मैं राजस्थान में हूँ और दिल्ली से लेवल क्लास चलती है, तो इतना दूर बैठे भी मैं इसको कर पा रहा हूँ ऑनलाइन। तो ये बहुत उनका कृपा है कि हमें ही मिल रहा है। तो थैंक यू सो मच सभी भक्तों को, थैंक यू जो इन सब में इतना हेल्प करते हैं और हमें इतना ज्ञान देते हैं। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। तो एजुकेशन सीएसयू के माध्यम से हम जो लेवल क्लासेस कर रहे हैं, हमें शास्त्रों को पढ़ने का एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लेवल 1 में प्रभुपाद जी की पुस्तकें, जिसमें हमने जाना कि हम ये शरीर नहीं हैं, आत्मा हैं, और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। लेवल 2 में भगवद गीता जो लाइफ का मैनुअल है, फिर गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत, हमारे आचरणों का मूल क्या है भक्ति के प्रति, है ना। उसके बाद कपादोई कादम्बिनी और भक्ति रसामृत सिंधु, ये दुर्लभ शास्त्र कहाँ पढ़ पाते यदि हम एजुकेशन सिस्टम में नहीं आते तो। और अब भागवतम, जो कि सभी वेदों का सार है, निरम कल्प तरो ललितम फलम सुखम अमृतम संजितम पिबत भागवतम रसम आलयम मुहो रसिरा भूवि भाव का। तो भागवतम जैसा गूढ़ विषय हमें इतनी आसान सरल भाषा में समझाना, ये बड़े हमारे सीनियर्स बड़ा प्रयास कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा साक्षी निमाई प्रभु और अनार्पिता कृपामयी प्रभु, जिन्होंने हमें बड़े सरलतम भाषा में इतने कम समय में भागवतम जैसा गूढ़ विषय समझाया। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि लेवल क्लासेस को बड़े सीरियसली लें, लाइटली ना लें, क्योंकि हमारे सीनियर्स बड़ा प्रयास कर रहे हैं, बड़ा बड़ा मेहनत लगती है सारा कार्य करने में, पूरा सिस्टम बनाने में। तो हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाएं और अच्छे से सिंसेरिटी के साथ इसको अपने एजुकेशन क्लासेस को उठाएं और मुझे अपना आशीर्वाद दें। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। मेरा नाम नीरज है और मैं बदलाव देश से हूँ, और हाल ही में मैंने L6 अपनी कंप्लीट करी है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एजुकेशन CSU का, कि उन्होंने इतना अच्छा हमें प्लेटफॉर्म दिया है कि जहाँ पर हम अपने शास्त्रों को एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ सकते हैं। अब कोई ये प्रश्न कर सकता है कि ये क्यों ज़रूरी है, हम हालांकि घर पे भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आके ही क्यों पढ़ना है, RA क्यों करने हैं, हमें SA क्यों करने हैं, और साथ में टेस्ट क्यों देना है। तो इसके लिए भगवद्गीता में भगवान एक श्लोक बोलते हैं, 4th चैप्टर में भगवान क्या कह रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। क्या कह रहे हैं भगवान, जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म की जो दिव्य प्रकृति है उसको जान लेता है, उसका क्या होता है, वो उसका जो जन्म है वो 8वीं जन्म होता है, इसके बाद वो भगवान के धाम को प्राप्त करता है। लेकिन इसमें एक शब्द है, वो शब्द क्या है, तत्वता। वास्तविक रूप में अगर तत्व से भगवान को हमें जानना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। अब अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो शायद वो ना हो पाए, हम तत्व से भगवान को ना जानते हैं।
तो दक्ष से जानने के लिए क्या करना है, हमें शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो एजुकेशन सीएसयू क्या कर रहा है, एजुकेशन सीएसयू हमें एक मौका दे रहा है कि हम लोग अपने शास्त्रों को ध्यान उसका गहन अध्ययन हम कर सकें, जिससे फायदा क्या मिलेगा, हम भगवान को तत्व से जान सकेंगे और भगवान को जानने का अर्थ है कि हम भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूँ कि आप पूरे उत्साह के साथ अपनी 11 क्लासेस कंटिन्यू करें और कंटिन्यू उसमें बनाए रखें। ऐसा नहीं कि आज हमने क्लास ली कल हम क्लास ना लें या बीच बीच में स्किप कर दें, उससे फ्लो नहीं बनता फिर। तो फ्लो बना के रखें और साथ ही टाइम टू टाइम अपनी रीडिंग असाइनमेंट सबमिट करते रहें। तो मैं आपसे यही विराम लेता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा नाम अजनिता है, सेवक पास है और मैंने हाल ही में अभी 7 पास किया है। सबसे पहले तो मैं शिक्षा सीएसयू को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो शास्त्रों को समझने में हमारी सोसाइटी की हेल्प कर रहे हैं और निरंतर निस्वार्थ और सबसे बड़ी सोसाइटी की सेवा कर रहे हैं। मेरा भी भगवत गीता और भागवतम अध्ययन करने, मेरी भी भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम अध्ययन करने की बड़ी इच्छा थी और मैंने बेस में शामिल होने से पहले कई बार स्वयं अध्ययन करने की कोशिश की, लेकिन पढ़ने के दौरान मैं रुचि विकसित नहीं कर पाया। लेकिन बेस में शामिल होने के बाद मैंने उन्हीं पुस्तकों का अध्ययन फिर से शुरू किया, लेकिन इस बार बेस अथॉरिटीज के सक्षम मार्गदर्शन में और मैं श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करने के लिए रुचि और उत्साह विकसित करने में सक्षम हो पाया। इसके लिए मैं एजुकेशन सीएसयू का सदैव ऋणी रहूंगा, क्योंकि उन्होंने इन पवित्र पुस्तकों को पढ़ने और समझने में मेरी बड़ी सहायता की है और मैं समझता हूँ कि इस ऋण को मैं कभी भी नहीं चुका पाऊंगा। मैं भक्तों को केवल एक ही संदेश देना चाहूंगा कि इसे श्रील प्रभुपाद और वरिष्ठ वैष्णवों की सेवा के रूप में लें, जो हमारे जैसे लोगों के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, दिन रात सेवा कर रहे हैं और वे हमसे केवल यही चाहते हैं कि हम श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का नियमित रूप से अध्ययन करें और इनकी टीचिंग्स को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। जरा सोचिए, जब श्रील प्रभुपाद हमें इन पुस्तकों को पढ़ते हुए देखेंगे जो उन्होंने हमारे लिए लिखी थी, तो उन्हें कितनी खुशी होगी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कृष्णा, आप सबको मेरा धन्यवाद प्रणाम। मेरा नाम गणेश है, मैंने अभी 8 कंप्लीट किया है। इन लेवल क्लासेस के जरिए एजुकेशन सीएसयू हम सबको एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक ढंग से तराशी हुई शिक्षा प्रणाली के जरिए हम सबको स्पिरिचुअल नॉलेज का ज्ञान प्रदान करते हैं, उसका एक्सपोजर हमें मिलता है। लेवल द लेवल, स्टेप बाय स्टेप स्पिरिचुअल नॉलेज की शिक्षा हमें मिलती जाती है, बहुत बेसिक से लेकर कि मैं कौन हूँ, परम भगवान कौन है से लेकर गूढ़ वैदिक शास्त्रों के विषयों का ज्ञान अर्थात श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, उपनिषद आदि के विषयों का ज्ञान हमें बहुत ही सरल, साइंटिफिक और सिस्टमेटिक ढंग से मिलता है, जिससे कि हमें इन विषयों को समझने में बहुत आसानी होती है और जिससे हम अपने डे टू डे लाइफ को कृष्ण भावना भावित बना सकते हैं। इन लेवल क्लासेस में मेरी इंस्पिरेशन ये थी कि मैंने इनको भगवान कृष्ण की सेवा के रूप में लिया। मैं अपने लेवल के विषय को बहुत अच्छी तरह समझना चाहता था, इसके लिए मैंने सारी क्लासेस को रेगुलरली अटेंड किया, सारे असाइनमेंट टाइम से सबमिट किए, सारे टेस्ट बहुत ही सीरियसली अटेम्प्ट किए और डेली रेगुलरली 30 मिनट स्टडीज को दिया करता था, जिसका रिजल्ट ये रहा कि मैं कुछ अच्छे मार्क्स पा सका। मेरा आप सबको सजेशन ये रहेगा कि आप इन लेवल क्लासेस को किसी फॉर्मल क्लासेस की तरह ना लेके भगवान कृष्ण की सेवा के रूप में लें। वो अपनी पूरी श्रद्धा, लगन और मेहनत से इन क्लासेस को उसी तरह करें जिस तरह आप इस्कॉन मंदिर में या अपने बेस में भगवान कृष्ण की किसी भक्ति में सेवा को करते हैं। स्टडीज करते हुए यही आपकी कृष्ण भक्ति है और यही आपकी कृष्ण भक्ति सेवा है। अच्छी स्टडीज के रूप में आप अच्छी कृष्ण भक्ति कर सकेंगे, जिससे कि भगवान कृष्ण आपको फल के रूप में अपने लेवल में टॉप अवश्य कराएंगे
और जीवन में तो आप सफल बनेंगे ही, यही मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप सब भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अभी हमने जो श्रील प्रभुपाद जी कृपा से जो हमें इतने ग्रंथ मिले हैं और ऊपर से इसके सज्जनमक्ष प्रभु जी कृपा से हम उनको पढ़ने का मौका मिल रहा है। प्रभु जी ने हमारा बेस एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा बनाया है कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस आप क्या कीजिए, आप उन ग्रंथों की जो प्रभुपाद जी ने प्रपट दिए हैं और जो भगवान ने लीलाएं की हैं उसको अच्छे से रिलिश कीजिए। आप ये मत सोचिए कि आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं या आपको कैसे भी मतलब अच्छे मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा क्या नहीं होगा। अर्जुन देव प्रभु जी कहते हैं कि आपको क्या करना है, लीलाओं को अच्छे से रिलिश करना है। क्योंकि अगर आप लीलाओं को अच्छे से रिलिश करेंगे, समझेंगे, इसका आस्वादन करेंगे तो आपके मार्क्स अपने आप अच्छे आ जाएंगे। पर आपको उन लीलाओं को पढ़ने का दोबारा मौका मिलेगा, दोबारा फिर आप पढ़ सकते हो उसको जब आप उसको रिलिश करोगे। अगर आप सिंपल सोचोगे कि मेरे को अच्छे मार्क्स लेने हैं, मैं उसको जैसे भौतिक स्टडी करते हैं हम ऐसे पढ़ेंगे, तो फिर आप वो लीलाओं का रिलिश नहीं कर पाएंगे। तो ये कोई मटेरियल एजुकेशन नहीं है, ये स्पिरिचुअल एजुकेशन है। हमें हर एक मोमेंट को, हर एक पार्ट को हमें रिलीज करना है, इसको अच्छे समझना है और वरिष्ठ वैष्णवों की सेवा करनी है। ये हमारा मेन गोल है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। दंड प्रणाम। हरे कृष्ण डिवोटीज, माय नेम इज प्रशांत सिंह, आई एम फ्रॉम इंद्रप्रस्थ वेस, एंड इन द लास्ट सेशन आई हैव कंप्लीटेड लेवल 10 so through this online course. So I would say that since COVID came, since last 2 years or more than that, I was in a remote place, very far from devotees, so there was no physical association of devotees. So just because of education, CSU provided us this opportunity to take the level classes online. So I was able to connect with the devotees. So it was the mercy of devotees who are working hard for education CSU, and they are making it happen that we can connect online from anywhere to the whatever spiritual guidance we can get in our level course. So I would like to thank Education CSU from the core of my heart, and I believe it is helping so many devotees like me in their spiritual growth also. So main motivation to complete this course was to take the association of devotees, even if it is available online. So that was only a way for connecting me to devotees. So there was no physical association, so I took all the classes seriously, and I took it as opportunity to connect with the devotees and listen from senior devotees, senior Vaishnavas. So lastly, I would like to request from those who are enrolled in the level programs, I would like to request all of you to complete your level courses. Do not leave it in the middle. And I know many challenges would come, but we should try, and we should try to attend all the classes. We should give all the reading assignments and tests positively. And whatever challenges will come, there are devotees, there is Education CSU to help us. So I would like to thank all the devotees who are serving for Education CSU and making this level program successful. And thank you all the devotees. Hare Krishna. Dhanyavaad.
I have no personal qualification, but I simply try to satisfy my Guru. That's all. My Guru Maharaj asked me that if you get some money, you print books. After 1 month, I'll be 80 years old. I was born in 1896. Now you can calculate. I'll never die. I shall live for my books, and he will utilize. Do you read? If you don't read, then you'll feel restless. Now let me go from Japan to India, from India to Japan. You are restless because you don't read. I am laboring so hard for you, but you don't take advantage. Don't take advantage of eating and sleeping. Take advantage of these books. Then your life will be successful. My duty I am giving so valuable things, day and night, trying to convince you toward the world. And if you don't take advantage of this, then what can I do for you? Mr. Pryor, how was it? Mr. Mahalo was it?